हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है और कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग उन दवाओं के लिए किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और विभाजित होने से रोकती है। और इस थेरेपी का लाभ कुछ हद तक इस पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, किंतु इसके फायदे अधिक हैं। और इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कीमोथेरेपी क्या है, ये कैसे की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कीमो क्या होता है, यानी कि कीमोथेरेपी क्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पुरानी कोशिकाएँ की जगह नई कोशिकाएँ ले लेती हैं, लेकिन जब किसी को कैंसर होता है तो ये कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती है और इस कारण तेजी से नई कोशिकाएं बनती है और दूसरी उपयोगी कोशिकाओं की जगह ये ले लेती है। कीमोथेरेपी दवाएं इन कैंसर कोशिकाओं की विभाजित होने और पुनर्निर्माण की क्षमता को प्रभावित करती है। कोई एक प्रकार की दवा या अलग अलग दवाओं को एक साथ दिया जाता है और ये दवाएँ या तो सीधे नसों में चढ़ाई जाती है या कैंसर वाले अंग पर केंद्रित होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि कीमोथेरेपी के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, कीमोथेरेपी दवाओं के और उनके उपयोग के विभिन्न तरीके होते हैं और इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अल्कलाइटिंग एजेंट, यानी कि क्षारीकरण एजेंट। ये एजेंट सीधे हमारे डीएनए पर कार्य करते हैं और कैंसर कोशिकाओं को मार देते हैं। इसमें क्लोरम्बुजिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, थियोटेपा और बुसुल्फान वगैरह शामिल हैं। दूसरा प्रकार है एंटी मेटाबोलाइट्स। ये कैंसर कोशिकाओं के लिए नकली प्रोटीन्स का निर्माण करती है और जिसे खाने से इन कोशिकाओं को कोई फायदा नहीं होता और वे भूख से मर जाती हैं। इसमें प्यूरिन एंटागोनिस्ट, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट और फॉलेट एंटागोनिस्ट वगैरह आते हैं। तीसरा प्रकार है प्लांट अल्कलॉइड्स। ये कैंसर कोशिकाओं की विभाजित होने और वृद्धि की क्षमता को अवरुद्ध कर देते हैं और इनमें एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरूबिसिन और माइटोमाइसिन वगैरह शामिल हैं। और चौथा प्रकार होता है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। तो यह डीएनए के साथ जुड़कर आरएनए को सिंथेसाइज करने से रोकता है ताकि कैंसर कोशिकाएं पुनर्निर्माण न कर सकें। और ये सामान्य एंटीबायोटिक्स से अलग है, इसमें डॉक्सोरूबिसिन, माइटोक्सेंट्रोन और ब्लियोमाइसिन वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर हर व्यक्ति को उसके होने वाले कैंसर के प्रकार और स्टेज के हिसाब से उसे दवा देते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि कीमो कैंसर ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर जो है वो कैंसर की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी से पहले ट्यूमर सिकुड़ने के लिए की जाने वाली थेरेपी, जिसे हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के बाद बची हुए कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए की जाने वाली थेरेपी, जिसे हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। खून या लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर, जैसे कि ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के इलाज के लिए की जाने वाली थेरेपी। उपचार के बाद अगर कैंसर फिर से हो जाए, जिसे आवर्तक कैंसर या रिकरेंट कैंसर कहा जाता है, तो इसके उपचार में की जाने वाली थेरेपी। और ऐसे कैंसर को ठीक करने के लिए जो शरीर के अन्य अंगों में फैल जाए, जिसे हम मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं, उसके इलाज के लिए की जाने वाली थेरेपी। तो कीमोथेरेपी कब और कितनी दी जाती है? तो किसी कैंसर के मरीज को दी जाने वाली कीमोथेरेपी दवाओं का प्रकार, उसकी मात्रा और इलाज का तरीका जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर का प्रकार कौन सा है, ट्यूमर का आकार कितना है, यह शरीर के किस अंग में है और कहां तक फैल चुका है, यानी कि अभी कैंसर किस स्टेज में है, रोगी की उम्र क्या है और उसका सामान्य स्वास्थ्य कैसा है, दवाओं से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट से रोगी का शरीर कितना संतुलन बिठा पाता है, रोगी को कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, और यदि रोगी पहले भी कैंसर का उपचार ले चुका है वगैरह, ये सब कुछ बातें जो हैं ये इस पर इलाज का तरीका निर्भर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कीमो से कैंसर ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी के कुछ तरीके होते हैं जिनका प्रयोग हम उपचार के लिए करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं नसों में कीमोथेरेपी, जिसे हम इंट्रावीनस कीमोथेरेपी भी कहते हैं।
तो कुछ दवाओं को सीधा रोगी की नसों के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाना आवश्यक होता है और इसीलिए इसे इंट्रावीनस या आईवी कीमोथेरेपी कहते हैं। इसमें कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों का समय लग सकता है और ये दवाएं एक छोटे पंप द्वारा शरीर की नसों में पहुंचाई जाती है और जिसे आपको हमेशा अपने साथ रखना होता है और इसे हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन कीमोथेरेपी कहते हैं। दूसरा दोस्तों होता है ओरल कीमोथेरेपी। तो कुछ दवाएं रोगी को मुंह के माध्यम से दी जाती है। ये दवाएं गोली, कैप्सूल या तरल रूप में हो सकती है। इस उपचार को आप घर पर भी ले सकते हैं। अब इसी प्रकार का उपचार अधिक किया जाता है क्योंकि बहुत सारी दवाएं इसी तरह से लाभ देती हैं। ऐसी कुछ दवाएं रोगी को रोज लेनी होती है तथा कुछ कभी कभी लेनी होती है, जैसे कि एक दवा 4 हफ्तों तक देने के बाद 2 हफ्तों तक ना देना वगैरह। उसके बाद है दोस्तों इंजेक्टेड कीमोथेरेपी। तो इसमें रोगी के शरीर के अंदर दवा को इंजेक्ट किया जाता है। कुछ मामलों में यह इंजेक्शन मांसपेशियों में और कुछ मामलों में त्वचा में किया जाता है। यह रोगी के हाथ, पैरों या पेट में किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों धमनी यानी कि आर्टरी के माध्यम से कीमोथेरेपी। तो धमनी शरीर में हृदय से अन्य हिस्सों में रक्त का संचार करती है। कभी कभी कीमोथेरेपी दवा सीधी धमनी में इंजेक्ट की जाती है जो कैंसर कोशिका को प्रभावित करती है। उसके बाद दोस्तों पेरिटोनियम में कीमोथेरेपी। तो कुछ मामलों में कीमोथेरेपी दवा को सीधा रोगी के पेट में पहुंचाया जाता है और यह तरीका तब उपयोग किया जाता है जब कैंसर पेरिटोनियम यानी कि पेट के अंदर एक प्रकार की जो झिल्ली होती है उसमें हो जाता है। ओवरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो पेरिटोनियम में फैल जाता है। और उसके बाद दोस्तों है टॉपिकल कीमोथेरेपी। तो कुछ तरह की कीमोथेरेपी रोगी को त्वचा पर लगाने वाली क्रीम के रूप में भी दी जाती है। अब दोस्तों कीमोथेरेपी के फायदों की बात करें तो यह कैंसर को कम कर सकती हैं या इसके प्रभाव को धीमा कर सकती है। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी कैंसर दोबारा होने के जोखिम को कम कर सकती है। रोगी जो है वो नियमित जांच, टेस्ट और डॉक्टर के संपर्क में रहता है और इससे आश्वस्त भी रहता है। और कुछ लोगों में कैंसर की आरंभिक अवस्था में कीमोथेरेपी कैंसर को इतना सिकुड़ सकती है कि सर्जरी से उसे पूरी तरह निकाला जा सकता है। और अब दोस्तों उसके नुकसान की बात करें कि क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों कीमोथेरेपी के दौरान ली जाने वाली अलग अलग दवाओं के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ दवाओं के निश्चित साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन हर रोगी का अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो जैसे साइड इफेक्ट की बात करें तो सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द और नसों के क्षतिग्रस्त होने से दर्द, जैसे कि जलन, सुन्न होना, अंगुलियों या पंजों में तेज दर्द होना वगैरह हो सकता है। कीमोथेरेपी से संबंधित अधिकांश तरह का दर्द इलाज के दौरान कम हो जाता है या चला जाता है, किंतु नसों के क्षतिग्रस्त होने पर इलाज की हर खुराक के साथ यह अधिक गंभीर हो सकता है। कभी कभी यदि ऐसा हो तो जो दवा नसों को क्षतिग्रस्त कर रही है उनको बंद किया जाता है। नसों को सही होने में महीनों या सालों लग सकते हैं। कुछ लोगों में यह पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो पाती है। हालांकि रोगी को होने वाले दर्द का कीमोथेरेपी के अलावा कोई अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे कि रोगी को दर्द कैंसर के कारण भी हो सकता है। रोगी के नर्वस सिस्टम में उपचार के बाद भी परिवर्तन आ सकता है और जिन बच्चों की कीमोथेरेपी हुई हो उनमें साइड इफेक्ट्स महीनों या सालों बाद भी उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें देर से होने वाले साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। ये वीडियो किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।